चालू कर दिया तो वाइस गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, ये आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आई नो मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गई थी, मतलब मैंने 2 हफ्ते पहले वीडियो डाला था और अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। तो नाउ अब से हम ट्राई करेंगे कि हम एक्टिव रहें, बिकॉज थोड़ा सा लाइफ इम्बैलेंस चल रहा था, जैसे सबका ही होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ब्रेक ले लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो आई एम डन नाउ, अब हम रेगुलर वीडियोस पे फोकस करेंगे। तो जो कि मैंने बोला था कि गणपति के पहले वीडियोस में कि मैं हॉल करूँगी, ट्राई ऑन हॉल क्या होता है मुझे नहीं पता, बट मैंने जो ट्राई किए मैं पिक्चर्स लगवा दूँगी सारे। और मैंने इस बार ऑनेस्टली आई नेवर शॉप फ्रॉम मीशो, आई ट्राइड फर्स्ट टाइम। तो इस बार मैंने गणपति के सारे कपड़े मीशो से लिए थे, तो आई थॉट क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ मुझे कैसा लगा, रिव्यू वगैरह। ये पेड नहीं है, जस्ट मतलब मैं खुद कर रही हूँ, तो ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं क्या है। लाइक मैं इसमें सबके दिखाने वाली हूँ कपड़े मेरे, दिया के, पीहू के या मॉम के, हमने मतलब लाइक जितनी भी शॉपिंग की है। और जो भी प्राइस वगैरह होगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पिक्चर्स डाल दूँगी, क्योंकि प्राइस मुझे याद नहीं, क्योंकि हमने गणपति के पहले शॉपिंग की थी। तो मैं सारे पिक्चर्स एंड ऑल यहाँ पे लगवा दूँगी, और जो भी हमने ट्राई ऑन किया होगा वो सारे भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो लेट्स मूव फर्दर, क्योंकि ज़्यादा बकवास नहीं करें गाइज। वी मतलब हमने ज्वेलरी ज़्यादा शॉप नहीं किया था, बिकॉज हमें पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं। तो हमने सारे क्लोथ्स के किए हैं, तो क्लोथ्स यहाँ पे ऑलरेडी है, और ज्वेलरी में सिर्फ हमने ये 2 किया है। I will show you. ज्वेलरी में हमने ये इयरिंग्स, जो मैंने आपको मेरे इयरिंग्स हॉल में भी दिखाए होंगे, जो मैंने बोला था मैं बहुत जल्दी स्टाइल करूँगी, और ये है ऐसा। मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूँगी इसके प्राइजेस वगैरह के। ये इयरिंग्स लाइक फुल मराठी लुक देता है, यू कैन सी लाइक दिस। और इसके प्राइजेस वगैरह मैं यहाँ पे लगवा दूँगी गाइज। नेक्स्ट इज दिस इज़ कमर पट्टा, काइंड ऑफ नहीं, कमर पट्टा ही है। यहाँ पे ऐसा हुक है, दिस इज़ लाइक, बट गाइज बहुत सही क्या है पता है, ये ऐसे छोटे से बॉक्स में आता है, मतलब हम वेयर करने के बाद वापस इसको अच्छे से पैक करके रख सकते हैं। यू कैन सी दिस, इतना सा बॉक्स है। और इयरिंग्स भी मुझे यही बॉक्स में आया है, यू कैन सी दिस लाइक दिस। मतलब एक सेफ्टी रहता है ना कि हम अपने सामान सेफली रख सकते हैं इतना महंगा परचेस करने के बाद। ये मुझे ऑलमोस्ट 400 के अराउंड पड़ा था, और ये आई गेस 200 के अराउंड। मैं इनके पिक्चर्स और प्राइस लगवा दूँगी, और जो ट्राई किया है वो भी। सो या मेरे गणपति वीडियोज़ नहीं देखे तो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्लीज़ जाके देखो। मैंने उसमें ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं स्टाइल किया था, मैं भूल गई मैंने स्टाइल किया था। जिन्होंने नहीं देखा तो जाके देख लो गाइस। हमने लाइक ज्वेलरी में बस यही 2 चीज़ ली थी मीशो से। और चलो अब क्लोथ्स की ओर बढ़ते हुए, दिस इज़ आवर 3rd प्रोडक्ट। ये है मेरी मॉम का ब्लाउज, कैन यू सी दिस। मैं ये सारे पिक्चर्स डाल दूँगी प्राइस के साथ, और जब मेरी मम्मा ने स्टाइल किए होंगे वो सारे भी, कैन सी दिस। ये लाइक एक सैटिन क्लोथ काइंड ऑफ है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पर्ल है, धोने के बाद शायद निकल जाएंगे क्योंकि स्टिक किए हुए है। तो इसका जो भी प्राइस है, नंबर है, जो भी परचेस लिंक है, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हो। ये लाइक ऑलमोस्ट 300 अराउंड ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पे पूरा नेट है सामने, पीछे से ऐसा बो काइंड ऑफ मतलब धागा है, और ऐसा गोल सर्कल है, दैट्स इट। और यहाँ पे हाथ में नेट है। और जो भी ट्रायल होगा मैं सारे पिक्चर्स डाल दूंगी गाइस। जैसे कि अभी मैं सारे ब्लाउज दिखा रही हूँ, तो मैं ब्लाउज ही दिखा लेती हूँ। दिस इज़ द सेकेंड ब्लाउज ऑफ माई मॉम, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ तो मैं ब्लाउज लूँगी नहीं। तो ये है समथिंग लाइक दिस, इस पर मिरर वर्क है। ये कपड़ा कॉटन का है आई गेस, यस। और ये भी ऐसा ही है नॉर्मल, इसमें हमें प्रिंसेस कट मिलता है जिसमें ऐसे कप लगा हुआ है ऑलरेडी। तो ये भी जस्ट एक नॉर्मल है, बस इस पर मिरर वर्क है थोड़ा, इसलिए ज़्यादा थोड़ा डिज़ाइनिंग लग रहा है। तो गाइज ये जो है पीछे का, ये मैंने परचेज़ करके मतलब बाहर से लगवाया है, बिकॉज मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने लगवा लिया। और इसके हुक्स वगैरह सब पीछे है बैक साइड में, तो जस्ट लाइक दिस। इसका भी प्राइस कुछ 300 अराउंड है, तो मैं भी उसका पिक्चर्स डाल दूँगी गाइज, ट्राई ऑन के भी और इसके मतलब रियल प्राइस के साथ जो मीशो से है। ये वाले जो है मैंने बाहर से खरीदवाया है और लगवाया है,
ये एक्चुअली मेरे ब्लाउज में लगवाना था तो बच गया था, तो मैंने मम्मा के ब्लाउज में लगवा दिया. सो यस गाइस, दिस इज द ब्लाउज. थर्ड ब्लाउज की ओर बढ़ते हुए, जो कि मेरा ब्लाउज है, बहुत लोगों की डिमांड थी जानने की इंस्टा पे. तो दिस इज माय ब्लाउज. ये बहुत ही एक मतलब सिंपल सा प्लेन ब्लाउज है जो नीचे का है. मैंने अभी बोला कि मैंने ये बाहर से खरीद के लगवाया है, जैसे कि आप देख सकते हो. जिन्होंने नहीं देखा, मैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रही हूँ, प्लीज जाके देखो. और अगर नहीं देखे तो प्लीज प्लीज जाके फॉलो करो मुझे इंस्टा पे. और यूट्यूब पे भी मैंने गणपति ब्लॉग में यही ब्लाउज पहना था, तो प्लीज जाके वीडियो देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो ये एक बहुत ही सिंपल प्लेन ब्लाउज है, जस्ट प्रिंसेस कट है, नॉर्मल ब्लाउज है. ये जो नीचे का है ये मैंने बाहर से खरीद के लगवाया, देखो धागा भी निकल गया बिकॉज ये सिंपल रहता है. तो यस, कुछ ही नहीं है इस ब्लाउज में, जस्ट प्लेन ब्लाउज है, देख सकते हो आप. बस ये पीछे का नीचे का सब मैंने खरीद के लगवाया, दैट्स इट गाइज. ये ऑलमोस्ट 250 या 350 के अराउंड है, मैं इसके प्राइस डाल दूंगी अंदर. सो यस, टू टेल के मीशो पे बहुत रीजनेबल प्राइस है. कभी कभी प्रोडक्ट डिफेक्टिव भी निकल जाता है, तो वो रिटर्न एक्सचेंज वगैरह बहुत इजीली हो जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है. बट स्टिल लाइक समथिंग बोलते ना, मतलब सबको ब्रांड ही चाहिए होता है, वैसा काइंड ऑफ. बट हमने इस बार सारा शॉपिंग मीशो से किया था, मतलब मुझे देखना था, मैंने सबको करवाया ज़बरदस्ती, तो इट वॉज नाइस काइंड ऑफ. ठीक है, मतलब एक दो बार पहन सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज प्राइस रेंज के हिसाब से. सो यस, नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं. दिस द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आई डोंट नो, दिस इज द साड़ी विच आई वेयर ऑन गणपति, वोर ऑन गणपति. देख सकते हो आप लोग ये कलर, वो ये साड़ी मेरे को मम्मा ने पहनाई थी और इतनी परफेक्टली पहनाई थी ना, मैं क्या ही बोलूँ. ये काइंड ऑफ पैटर्न ही साड़ी है, और ये मतलब बोलते हैं ना, माई मॉम चोज फॉर मी कि तू ये ले, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम साड़ी ट्राई करना था. मतलब मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, लाइक ओकेशन वगैरह पे मैं नहीं पहनती, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था गणपति पे, बिकॉज ऑफ माई मॉम. शी वॉज लाइक कि ले 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 ले, पहन ले पहन ले. सो आई टुक दिस साड़ी, दिस इज पैठनी साड़ी. ये कैसे प्रॉपर मराठी लुक देख सकते हो, आप देख सकते हो रेड और गोल्डन बॉर्डर है, और ये है ओलिव ग्रीन, आई गेस ओलिव ग्रीन या डार्क ग्रीन, जिनके साथ मैंने वो कान का पैर किया था, ब्लाउज पैर किया था इसके साथ, इस साड़ी के साथ. जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ इंस्टा पे जाके मेरे पिक्चर्स देखो और यूट्यूब पे मेरे वीडियो ज़रूर देखना. यस, दिस इज़ द सेकेंड साड़ी वी बॉट फ्रॉम मीशो फॉर मम्मा. एक्चुअली सब लोगों ने बोला था कि तू ये वाला लेना, वो वाला मम्मा को देना, क्योंकि ग्रीन और रेड मराठी लोग, लाइक मैरिड लोग पहनते. तो मैंने बहुत देखा तो मेरे को लगा नहीं कि लोग मैरिड लोग पहनते सिर्फ, तो मैंने बोला नहीं मुझे वही पहनना है क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला है, दैट्स ऑल. ओके, तो ये है वे भी, ये सेम काइंड ऑफ पैटर्न ही साड़ी है. इसका डार्क ब्लू और स्काई ब्लू होगा, आई डोंट नो. इसका ये है डिज़ाइन, कलर है ओके, और इसमें ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइन है, जस्ट डैट सेट. इसके साथ मेरी मम्मा ने जो मैंने फर्स्ट ब्लाउज दिखाया था वो लिया था. मैं इसके पिक्चर्स और प्राइस सारे डाल दूंगी गाइस. पीहूज ड्रेस, तो पीहू ने लिया था घाघरा काइंड ऑफ. ये है पीहू का घाघरा, सॉरी उल्टा, पीहू का घाघरा आप देख सकते हो. ये है उसका ब्लाउज, बहुत ही क्यूट होता है छोटे बच्चों का घाघरा, आप देख सकते हो. पीछे उसका लेस काइंड ऑफ है, टाइप है, और इसके साथ उसको इतना मतलब ऑफकोर्स घाघरा ही मिलेगा. दिस इज द घाघरा, ये भी सैटिन काइंड ऑफ है, उसके ऊपर गोल्डन वर्क है, आप देख सकते हो. मैं इसकी पिक्चर्स डाल दूँगी अगर उसने वेयर किया होगा तो. हाँ, उसने वेयर किया था, आप लोग गणपति ब्लॉग देख सकते हो. और उसके साथ छोटा सा प्यारा सा येलो दुपट्टा जिसमें गोल्डन वर्क है, आप देख सकते हो. पर लाइक दुपट्टा बहुत ही प्रेटी और बड़ा है तो हम भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे. तो गाइस ये भी ऑलमोस्ट हमें 600-700 का पड़ा था, देख सकते हो. और रही बात क्वालिटी की, लाइक अगर हम ओकेशन पे पहनेंगे तो देन ओके, नॉर्मल वेयर कोई करता नहीं है, बट स्टिल लाइक नहीं. सो यस गाइस, गाइस मेरा अब मेरी बारी नहीं, मेरे ही दिखा रही हूँ मैं कब से. तो दिस इज समथिंग शरारा काइंड ऑफ, आई बॉट दिस. ये है ऐसा फ्लाव, मतलब ए लाइन कुर्ती काइंड ऑफ. इसको आप जीन्स के साथ भी पैर कर सकते हो, कॉलेजेस के लिए आप ये आराम से पैर कर सकते हो, ये वन पीस पे भी जाएगा, बहुत प्रिटी है, मैंने पहना भी वन पीस काइंड ऑफ. ये है कुर्ता और ये है शरारा. इसका आप फ्लोरल देख सकते हो, बहुत ज़्यादा घेर है. बट इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, तो मैंने इसको, इसके दुपट्टे को बाहर से परचेज़ किया था ये वाला,
बट इट्स ओके. बट पता है दुपट्टे से, मतलब आई कांट टेल यू लाइक, दुपट्टे से बेटर मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा था. कैन यू सी इसका घेर, इसका ये. आई गॉट दिस फॉर 552 रुपीज़, 552, 550 में. और क्या ही मिलेगा, बहुत प्रिटी है गाइस, ये देख सकते हो आप लोग, बहुत क्यूट है, बहुत बहुत बहुत. ये काइंड ऑफ स्लीवलेस है. मैं इसके पिक्चर्स डाल दूंगी यहाँ पे गाइस. अदर पीस गाइस, दिस इज़ अ चिकन करी कुर्ता, यू कैन सी. ये फुल स्लीव्स है, फुल ट्रांसपेरेंट है. मुझे इसके साथ इनर मिला था लॉन्ग, बट आई डोंट वेयर दैट. तो ये पूरा ऐसे वर्क है, आप देख सकते हो इसके बॉर्डर में वाइट कलर का वर्क है. ये ऐसा है गाइस, मैं भी पिक्चर्स डाल दूँगी. ये मुझे लाइक ऑलमोस्ट 800 या 900 का पड़ा था एक सिर्फ चिकन करी कुर्ता. इवन माई माउंट टुक दिस इन येलो कलर, बट पता नहीं मुझे उनका मिल रहा नहीं, आई एम सॉरी गाइस. गाइस पता है कहीं भी हो, कहीं भी छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ही महंगे मिलते हैं. सो हियर इज अनादर, जो ब्लू का है डेनिम जैकेट, ये भी हमने मीशो से लिया. ये उसका फर्स्ट डेनिम जैकेट है. शी वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस. दिस इज ऑलमोस्ट 600 या 700 का है. यू कैन सी ब्लैक कलर में है, एश ब्लैक एश कलर में, और बैक ऐसा है. ये बहुत प्रीटी है, मतलब शी लव दिस सो मच, आप देख सकते हो. मतलब ये वर्थ है आई फील काइंड ऑफ, क्योंकि डेनिम ऑफकोर्स डेनिम चीज़ें महंगी होती है, आप देख सकते हो. मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूँगी गाइस. टू अनदर, दिस इज प्लाजो कुर्ती सेट, दिस इज फॉर दिया. ये ऐसे 3/4 या फुल स्लीव्स, आई डोंट नो. और सामने से ऐसे धागे का वर्क है और जस्ट प्लेन कुर्ता है, लेकिन बहुत प्रीटी है. पता है गाइस, उस पर इतना प्रीटी लग रहा है ना, आई वाज सो जेलस ऑफ हर, बट ठीक है पहने में. तो दिस इज अ कुर्ता, प्लेन कुर्ता, यू कैन सी दिस, दिस इज अ प्लेन कुर्ता. और उसके साथ हमें वाइट प्लाजो मिला है, नो दुपट्टा नथिंग, बस प्लाजो पे वर्क है, सब वाइट वाइट कपड़े, वाइट वॉल, वाइट पैंट, वाइट. देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुर्ते पे वर्क, सॉरी प्लाजो पे वर्क है, ये पूरे प्लाजो पे वर्क है. फिर नीचे देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कुछ भी करके तब दिखाऊंगी लोगों, यहाँ पे वर्क है. दिस वॉज फॉर 500 आई गेस. मैं यहाँ पे लगवा दूंगी कि कितने का है, 500 to 600 के बीच में है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, वर्थ लगा. पर ये जो पहनते हैं ना छूटता है ऐसा उसने बोला, बट कपड़ा इज बहुत सॉफ्ट. नेक्स्ट है दिया का ही फिर से. दिस इज़ अ वन पीस काइंड ऑफ, इसका स्लीव ऐसे बेल स्लीव्स है, देख सकते हो आप लोग, बेल स्लीव्स है और राउंड नेक है और ज़्यादा लॉन्ग, मतलब अपने नी तक आता है, नी के नीचे तक या नी तक आता है. दिस इज़ फॉर 400 और 500 के अराउंड है. दिस इज़ अ क्रीप, क्रीप बोलते ना, क्रीप मटेरियल का कपड़ा है. ओके, लाइक रेगुलर वेयर के लिए इज ओके, वी कैन बाय दिस फॉर रेगुलर वेयर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हियर इज द अनदर लॉन्ग ड्रेस. ये जस्ट एक सामने से प्लेन है, काइंड ऑफ फुल स्लीव्स है और पूरा लॉन्ग है और ऐसे पूरा वर्क है, बॉर्डर है ऐसा, पूरा वर्क है, देख सकते हो आप लोग. और पीछे नॉट है. दिस इज़ ऑल्सो फॉर 400 to 500 के रेंज में ही है. कॉटन क्लोथ है, बहुत प्यारा है, मतलब सुकून है पहन के, पता है लाइक इतना आराम है ना, व्हाट एल्स आई कैन से, बहुत प्यारा है. दैट्स इट फॉर द वीडियो. पता है वीडियो छोटा था, बट आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को पता चला हो कि मैंने कहाँ से बाय किया. तो गाइज बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि आपका साइज़ क्या है. अभी मैं फ़िलहाल के लिए XL XXL पहन रही हूँ, बहुत जल्द हम और नीचे जाएंगे, वो बात की बात है. तो गाइज तो ये सारे क्लोथ्स ऑलमोस्ट रेंज 500 to 700 या 800 के बीच में ही है. ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है. बट अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप लोग एक बार ट्राई दे सकते हो मीशो पे कि क्लोथ्स वगैरह कैसा है. फ़िलहाल मैंने जितने भी मंगवाया मुझे वर्थ लगा, वर्थ लगा इन द सेंस ऑफ लाइक मैं 1 2 3 बार पहन सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज क्लोथ्स मटेरियल मैटर्स. क्योंकि हम बार बार पहनेंगे तो वो ख़राब होगा ही, बट जो मतलब इंडियन वेयर है वो मैं पहन सकती हूँ 2 3 बार जब ओकेशंस पे, बट नॉट लाइक ऑलवेज. तो मैं वैसे भी इंडियन पहनती नहीं हूँ, बट बाकी सारी चीज़ें सुपर. मुझे ज्वेलरी अच्छी लगी, मुझे सबसे ज़्यादा ये इयररिंग्स बहुत अच्छा लगा. आई एम इन लव विद द क्लोथ, बट मतलब रेगुलर वेयर नहीं है, जो इंडियन वेयर है उन्हें हमें बहुत मतलब रेयरली वेयर करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके राइट. मतलब कभी कभी हमें शॉपिंग कर लेना चाहिए ऐसी जगह से,
ऐसी जगह से, मतलब इंडियाज नंबर वन रीसेलर ऐप है तो ऑफकोर्स, तो वर्थ, मुझे वर्थ लगा। आई होप मैं फ्यूचर में मुझे अच्छे कुछ मिले तो मैं ज़रूर शॉप करूँगी। और सो या गाइस द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। इसके बाद हम चैलेंज वीडियोज़ आने वाले, आई होप आप लोगों को पसंद आया। तो प्लीज़ तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगी। अगर आपको ये हॉल अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना कि हम दुर्गा पूजा हॉल भी करें क्लोज का। सो यस, थैंक यू सो मच।